मैं हूं प्रज्ञा, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। रेप के आरोप में जेल से छूटा आरोपी फिर पहुंचा था नाबालिग के घर, मिली 24 साल की सजा। दुर्ग में कक्षा 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी सूरज यादव उम्र 30 साल को न्यायाधीश मधु तिवारी ने दोषी ठहराते अलग अलग धाराओं के तहत कुल 24 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दुष्कर्म की धारा के तहत 10 साल दुष्कर्म का प्रयास और अपराध करने की नियति से घर के अंदर बलात् प्रवेश करने की धारा के तहत 7 साल का कारावास की सजा सुनाई है। इस दरिंदे ने नवविवाहिता को इस बेदर्दी से मारा कि मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्ग शहर में विवाह के 4 माह बाद ही पत्नी की हत्या करने वाले धमदा निवासी करण कोसरे उम्र 32 साल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के मुताबिक वारदात मामूली विवाद का था। मामूली विवाद होने पर आवेश में आकर आरोपी ने अपनी पत्नी नेहा कोसरे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। 10वीं की मासूम ने बॉयफ्रेंड पर भरोसा कर छोड़ा माँ बाप का साथ। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की रहने वाली कक्षा 10वीं की एक छात्रा बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागकर चली गई। बेटी के अचानक लापता होने से घर वालों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की तो उसे एक लड़के के साथ पकड़ा गया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।